एक मनुष्य सदैव शांति और अपनी स्वतंत्रता चाहता है, परंतु जैसे उसे यह अधिकार मिलता है वो दूसरों का प्रभुत्व छीन लेना चाहता है। वो उनका अधिकार, उनकी स्वतंत्रता को छीन लेना चाहता है। वो ऐसा अपने आनंद, अपने लाभ के लिए करता है। अपने लाभ के लिए वो दूसरों का शोषण करता है। जो आलोचना नहीं करता उन पर अधर्म करता है। परंतु वही मनुष्य एक बात का स्मरण रखना भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसे उसका फल भी देंगे। उसका प्रारब्ध उसे उसके मंतव्य तक अवश्य लेकर जाएगा। वर्षा का जल चाहे सागर में मिले या माटी में, परंतु समय के सूर्य की किरण उसी जल को वाष्प में परिवर्तित भी कर देती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य की विनम्रता का इतना अधिक लाभ ना उठाएं कि वो उग्र हो उठे। एक पुत्र का दायित्व एक माता को तो दे सकते हो ना दुर्योधन पुत्र? कर्ण ने सदा मुझे माँ के सम्मान का आदर किया है। ताजश्री, ताजश्री, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये आपके ऊपर 100 कौरवों की रक्षा का उत्तरदायित्व है। क्या आप 101 की रक्षा कर सकते हैं? यह 101वां कौन है पुत्री कुंती? अंगराज कर्ण। ये जानते हुए कि कर्ण पांडवों के विरुद्ध है, तुम उसकी रक्षा करना चाहती हो। जान सकता हूं क्यों? क्योंकि उसकी मां। उसकी माँ से उसके बच्चे को दूर जाते नहीं देख सकती। कर्ण भली भांति ये जानता था कि यदि उसके पास कवच ना रहा तो वो अर्जुन के समक्ष कमजोर पड़ जाएगा। फिर भी उसने अपना कवच दान दे दिया। ऐसे योद्धा को अपने माँ के पास सुरक्षित देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसकी माँ का दर्द समझ सकती हूँ। वो दुख जो अपने पुत्र से दूर होने का, जिसका पुत्र घोर संकट में, मुझसे भला और कौन इस दुख को समझ पाएगा? इसके सभी पुत्र इस महायुद्ध के मृत्यु के समक्ष हो। कर्ण के माता की ओर से मैं आपसे विनती करती हूँ, आप उसकी रक्षा करें, उसे अपनी सुरक्षा प्रदान करें। जो कर्ण के साथ घटित हुआ है मुझे उसका अत्यंत खेद है, परंतु युद्ध में शत्रु का बाण एक योद्धा के हृदय को छेदने से पहले उसके कवच को भेद देता है। यही योद्धा का प्रारब्ध है। मैं केवल कौरवों की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं। मैं कर्ण की रक्षा का वचन तुम्हें नहीं दे सकता, और यदि मैं ऐसा करता हूं कुंती तो यह स्वाभाविक है कि कर्ण की रक्षा के लिए मुझे अर्जुन का वध करना होगा, क्योंकि कर्ण कर प्रतिद्वंदी तुम्हारा पुत्र अर्जुन है, और अर्जुन का प्रथम लक्ष्य है कर्ण।
क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? नहीं राक्षस, ऐसा नहीं चाहती। कैसी परिस्थिति है प्रभु, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। हेतु पितामह, मैं चाहती हूँ आप कर्ण की रक्षा करें, कर्ण की रक्षा करें। मेरे पास कोई और मार्ग नहीं पुत्री। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं, क्योंकि मैं स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जिया हूँ। संसार में परिवर्तन लाने से पूर्व हमें स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए, और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम आज एक सूत पुत्र होकर हाथ में शस्त्र नहीं उठा पाते। यदि एक पिता की दृष्टि से देखो तो बहुत दुख पहुंचाता मुझे, परंतु परिवर्तन की कामना रखने वाले एक योद्धा की दृष्टि से देखूं तो मुझे ग्लानि नहीं गर्व है तुम पर। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम मेरा बलिदान अवश्य समझोगे। मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा। मुझे सदा लगता था कि परिवर्तन के बहाने आप अपने परिवार से दूर रहना चाहते, परंतु आज समझ में आया पिताश्री की आपका लक्ष्य कितना महान था। अब आंखें खोलिए पिताश्री, अपने वृषसेन से बात कीजिए। मुझे आप पर, आपकी सोच पर विश्वास है पिताश्री, विश्वास है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मेरी हर एक भूल के लिए, मेरी हर एक धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। सदा आपसे घृणा करता आया, परंतु आज आज मुझे आप पर अभिमान है। मेरे पुत्र को मेरी सोच पर विश्वास है। ये विश्वास पाने के लिए एक कवच कुंडल तो क्या, सहस्त्र कवच कुंडल अपने शरीर से उतार कर फेंक सकता हूं। अब स्वस्थ हो पुत्र। वो मैं युवराज को बताकर आता हूं कि आप स्वस्थ हैं। रानीपात राजमाता। रुष्सेन, तुमने मुझसे तो क्षमा मांग ली, परंतु अपने व्यवहार के लिए किसी और से क्षमा मांगना शेष है। क्षमा चाहता हूँ राजमाता, वो जो भी मैंने। नहीं पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारे स्थान पर कोई और पुत्र होता तो वो भी ऐसे ही करता। धन्यवाद। पीड़ा तो नहीं है ना?
पीड़ा तो तब होगी जब एक पुत्र अपनी माता का मान नहीं रख पाएगा। राजमाता भावनाओं में बहकर ये भूल मत कर बैठिएगा कि कौरवों को आपका सत्य ज्ञात हो जाए। और हाँ, मुझे मेरा वचन स्मरण है, युद्ध के पश्चात आपके 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। कितना सुंदर सूर्यास्त है ना गंगा पुत्र। कदाचित ये इस युद्ध के प्रारंभ से पूर्व का अंतिम सूर्यास्त है। इस युद्ध के पश्चात इस सूर्य की स्वर्णिम आभा रक्त से लाल हो जाएगी, है ना? और ये रक्त मेरे ही वंश का होगा वासुदेव, मेरे वंश की सुरक्षा और नाश के मध्य की अंतिम संध्या है ये। किंतु सत्य यही है, अब इस अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। आज मेरा जीवन इन्हीं प्रश्नों से घिरा हुआ है, वह प्रश्न जिनके उत्तर मेरे पास नहीं, वह संदेह जिसे मैं कभी स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। परंतु जब बालक के मन में प्रश्न होता है, कोई संदेह होता है, तो वो इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अपनी मां से पूछता है। कदाचित आपके प्रश्नों का उत्तर आपकी माता के पास हो गंगा पुत्र। माते, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रकट होइए, मुझे सत्य से अवगत कराइए। कदाचित आपसे आज मेरी ये अंतिम भेंट है। मेरे मन से संताप को अपनी शीतल धारा से शांत कीजिए माते। क्षमा कर देना पुत्र, भगवान सूर्य नारायण तुम्हारी रक्षा करें। हाकर तुम राधे नहीं कुंती पुत्र हो। इस महाभारत के पश्चात आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि अर्जुन ने मेरा वध किया तो भी, और मैंने अर्जुन का वध किया तो भी, क्या आप 101 की रक्षा कर सकते हैं? यह 101वां कौन है? अंगराज कर्ण। Smith! Smith!
बैठो बैठो। आ गए मित्र। आज मुझे मेरे ईश्वर के ऊपर विश्वास हो गया। मेरा मित्र मेरे सामने स्वस्थ बैठा है। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूं मित्र। मित्र तुम ठीक हो ना? अब मैं यह युद्ध जीतू हारू कोई अंतर नहीं पड़ता मित्र, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम चिंता मत करो मित्र, हम यह युद्ध अवश्य जीतेंगे। और कल तक तुम्हें इस युद्ध के लिए तैयार भी हो जाऊंगा। हाँ हाँ मित्र, हाँ। कल इस युग का सबसे बड़ा महायुद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। वृषसेन, सारी तैयारियां हो गई? जी पिताश्री, सभी महारथी और उनके सैन्य दल और अस्त्र शस्त्र सज्ज हैं। बस सारी तैयारियां हो गई मित्र, अब हमारे प्रधान सेनापति पितामह के आदेश की प्रतीक्षा है कि वो हमें इस युद्ध में हमारा स्थान बता दे। हा? अच्छा है, कल मैं भी अपना स्थान लेने के लिए प्रस्तुत रहूंगा। अवश्य। वैसे पितामह है कहाँ? कुंती। प्रणिपाताश्री, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं आया हूं, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूं। कैसा प्रश्न दाश्री? वो प्रश्न जिसका उत्तर तुम्हारे अतीत में है। उस अन्याय के विषय में पूछने आया हूं जो तुमने एक अबोध बालक के साथ किया। उस सत्य के विषय में प्रश्न करने आया हूं जो तुमने समस्त हस्तिनापुर से छुपाया। क्या दोष था उस बालक का कुंती? वरदान तुम्हें मिला, दोष तुमसे हुआ, तो फिर दंड उस बालक को क्यों? ये मत कहना कि तुम विवश थी, किंतु इतना तो तुम्हारे वश में था कि तुम मुझे इस सत्य से अवगत कराती। एक वीर क्षत्रिय वर्षों तक क्षत्रिय होने के अधिकार से दूर था। एक सूर्यपुत्र ने वर्षों सूतपुत्र होने का कलंक अपने सर लिया। वर्षों तक वह उस अपराध का दंड सहता रहा जो उसने किया ही नहीं। तुमने न स्वयं कर्ण के साथ अन्याय किया है कुंती, बल्कि हर पल हर पग पर उसके विरुद्ध मुझसे भी अन्याय करवाया है। क्षमा चाहती हूँ ताजश्री, परंतु समझ नहीं पाई कि मैं आपको सत्य कैसे बताऊं। समझ तो तुम नहीं रही हो कुंती, कितना बड़ा अनर्थ करवा दिया है तुमने हस्तिनापुर से। एक क्षत्रिय को सूत का जीवन व्यतीत करना पड़ा, उसे ना क्षत्रियोचित शिक्षा मिली ना ही अधिकार। रंगभूमि से उसे अपमानित करके निकाला गया। उसके भाई के मुंह में उबलता हुआ स्वर्ण डाला गया। हर पल उसे पीड़ा मिली, हर पल उसके साथ घोर अन्याय हुआ। तुमने ठीक नहीं किया कुंती, परंतु मैं अब सब ठीक कर दूंगा। हमें इस सत्य से सबको अवगत कराना होगा कि कर्ण तुम्हारा पुत्र है।
अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं ताश्री, आप ऐसा मत कीजिए। इस सत्य का अगर सबको भान होगी तो अनर्थ हो जाएगा। जन से कर्ण को सम्मान नहीं मिला, अपने कर्म से जो उसने सम्मान अर्जित किया है, सबको सत्य बताते से वो भी समाप्त हो जाएगा। आपसे विनती करती हूँ दर्श, इस सत्य को आप रहस्य ही रहने दीजिए। विनती। उस रहस्य का लाभ ही क्या जब कर्ण का बलिदान हो जाए। अब ये सब आपको ही रोकना होगा। दो सहोदर एक दूसरे का रक्त ना भाए, ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा दाश्री। आपको और वो के प्रधान के सेनापति रण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। दाश्री, मैं अपने छह पुत्रों को जीवन देखना चाहती हूँ। अब आपको ही कुछ करना होगा दाश्री। इस विपदा का हर आपको ही निकालना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.